ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी जल्दी जम जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये सवाल सबसे पहले 1969 में तांजानिया के विद्यार्थी इरेस्टो एम पेम्बा ने किया था, लेकिन वैज्ञानिक भी काफी टाइम से इस पर अध्ययन कर रहे थे। आइए जानते हैं ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी जल्दी क्यों बर्फ बनता है। एम पेम्बा ने खोजा कि अगर आइसक्रीम के मिश्रण को फ्रिज में ठंडा करके रखने की बजाय सीधे ही गर्म मिश्रण को फ्रिज में रखा जाए तो मिश्रण ज्यादा जल्दी जम जाता है। एम पेम्बा ने इस प्रभाव पर एक प्रोजेक्ट बनाया। सबसे पहले प्रोजेक्ट दर्शाता है कि पानी चाहे सीधे नल से लिया गया हो या आसूत जल हो, वह आइसक्रीम के मिश्रण जैसा ही व्यवहार करता है। इसके लिए रासायनिक संगठन इतना महत्वपूर्ण कारक नहीं है। दूसरा, ये दर्शाता है कि गर्म पानी से वाष्पीकरण के चलते पानी के आयतन में आई कमी की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर अपने अलग अलग अर्थ बयान किए हैं, जैसे कि गर्म पानी में से पानी भाप बनकर उड़ता है जिससे गर्म पानी का आयतन कम हो जाता है और ठंडे पानी पर बर्फ की पतली कुलाचल परत जम जाती है जिसके कारण बचा हुआ पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। वैज्ञानिकों ने यह बात भी कही है कि यह हमेशा नहीं होता कि ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी जल्दी जम जाता है, कभी कभी ठंडा पानी भी पहले जम जाता है। ऐसा भी कहना है कि ऐसा पानी में उपस्थित अशुद्धियों के कारण भी हो सकता है, क्योंकि इसको एम पेम्बा ने खोजा था। गर्म पानी का तेजी से जमने के प्रभाव को एम पेम्बा प्रभाव कहते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर जेम्स ब्राउनरीज का कहना है कि उन्होंने इस प्रभाव पर पिछले 10 सालों में बहुत से प्रयोग किए और वह इस नतीजे पर पहुंचे, ऐसा पानी में घुली हुई अशुद्धियों के कारण ही होता है। उनका कहना है कि पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर कभी भी जमता है और आमतौर पर पानी शून्य से भी कम तापमान पर जमना शुरू हो जाता है। पानी में बहुत सी अशुद्धियां पाई जाती है, जैसे कि धूल कण, नमक और बैक्टीरिया। जिस अशुद्धि पर बर्फ के क्रिस्टल बनने का तापमान सबसे ज्यादा होगा, उसी तापमान पर पानी जमने लगेगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में से कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।